गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सेकंड क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 7वां चल रहा था, जो अपना लेसन पूरा हो चुका है। नेम ऑफ द एनिमल्स, यानी जानवरों के नाम। अब इसके अंदर जो अभ्यास दे रखे हैं, एक्सरसाइज दे रखी है, उसको हम हल करते हैं। एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, यानी इस चार्ट को हमें पूरा करना है। एक तरफ जानवरों के नाम दे रखे हैं, बीच के अंदर उनकी क्राइज, उनकी चीखने की आवाज़ दे रखी है, और तीसरा दे रखा है होम्स, यानी वो कहाँ रहते हैं। तो लोयंस, लोयंस डेन यानी गुफा में रहता है, और ये दहाड़ता है तो रोर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार से काऊ, गाय रंभाती है और बाड़े में रहती है, तो इसके अंदर आ जाएगा मू, MOO, मू यानी रंभाना, दहाड़ना, रंभाना। डॉग्स कुत्ते, बार के नहीं भौंकते हैं और कीनल में रहते हैं घर में। फिर है चेटर, तो मंकी, बंदर, ची 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 की आवाज करते हैं, और ट्री और ब्रांच में पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। कूप, अगला है हेन, मुर्गी जो केकल यानी कुड़कुड़ाती है और एक पिंजरे में रहती है। एलिफेंट है, एलिफेंट ट्रम्फेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, और जंगल के अंदर रहता है। दूसरा प्रश्न है, मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स, यानी एक तरफ इनके हाउ, इनके होम्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ जानवर दे रखे हैं, तो कौन किस घर के अंदर रहता है ये बताना है। जहाँ पर ये एग्स रखे हुए हैं, तो एग्स हैं चिड़िया के, ये चिड़िया घोंसले में रहती है। फिर है ये जो गुफा दे रखी है, गुफा के अंदर कौन रहता है, शेर, तो लॉयन गुफा के अंदर रहेगा। फिर ये जो घर दे रखा है, इस कीनल के अंदर रहता है डॉग, और ये जो बच गया घर, इसके अंदर रहती है काऊ। अब कल अगला लेसन स्टार्ट करेंगे।